भारत सरकार को की प्रशंसा करनी चाहिए कि 4.5 साल के लिए डट के रहे हैं अपने अपने वक्तव्य पे। भारत और चीन रिश्तों के लिए एक अच्छी शुरुआत है उसको फिर से सुदृढ़ करने के लिए। इसका ये मतलब है कि शायद कजान रशिया में दोनों के बीच में, दोनों जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है और चीन के प्रेसिडेंट है, उनके बीच में शायद मीटिंग होने जा रही है। भारत और चीन के बीच तल्खियां पिछले कई सालों से बरकरार थी। दोनों देशों की सेनाएं बॉर्डर पर आमने सामने थी, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंध को सुधारने के लिए नई पहल की जा रही है। भारत और चीन के बीच LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर नई सहमति बन गई है, जिसके बाद अब करीब 4 साल बाद दोनों देशों की सेनाएं आपसी सहमति से पीछे हटेंगी। इसको लेकर जब हमने पूर्व राजदूत गौतम बमवाले से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस फैसले से अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री साहब ने आज ही अनाउंस किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भारत और चीन के बीच में जो स्थिति थी ईस्टर्न लद्दाख में, उसका कुछ हल हो गया है। LAC पे पेट्रोलिंग कैसे होगी, इसके बारे में कोई अग्रीमेंट हुई है भारत और चीन के बीच में। और विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने यह भी कहा है कि प्री गालवान सिचुएशन अब वहां पे हो जाएगी। तो अगर ये सब सच्चाई है तो मैं तो समझता हूं कि ये अच्छी बात है। भारत सरकार को की प्रशंसा करनी चाहिए कि 4.5 साल के लिए डट के रहे हैं अपने अपने वक्तव्य पे। और मैं कहूंगा कि ये भारत और चीन रिश्तों के लिए एक अच्छी शुरुआत है उसको फिर से सुदृढ़ करने के लिए। लेकिन जिस तरह ये बिल्कुल ठीक प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के लिए जाने वाले थे और इस तरह का ये एग्रीमेंट हो जाता है, तो उसको आप कैसे रीड करते हैं? मैं समझता हूं कि ब्रिक्स में भारत और चीन के भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति जो है उनके बीच मीटिंग की संभावना थी, और इस संभावना को प्रकट करने के लिए ये समझौता हुआ है आज। इसके लिए काफी देर से कोशिश हो रही थी, लेकिन आज ये समझौता जब तक जो विदेश सचिव साहब ने अनाउंस किया है, इसका ये मतलब है कि शायद कजान रशिया में दोनों के बीच में, दोनों जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है और चीन के प्रेसिडेंट है, उनके बीच में शायद मीटिंग होने जा रही है। उस संभावित मीटिंग अगर होती है तो वो जाहिर सी बात है इस एग्रीमेंट का वहां पर असर दिखेगा दोनों नेताओं में। जी बिल्कुल, लेकिन हमको ये भी याद रखना चाहिए कि 4.5 साल से ईस्टर्न लद्दाख में तनाव भारत और चीन के बीच में चल रहा है। हमारी सेना उनकी सेना बिल्कुल आमने सामने थी, तो इन दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं इसको सुदृढ़ करने के लिए, इसको फिर से रेल की पटरी पे ले आने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा। और उसके लिए अगर मोदी साहब और शी जिनपिंग साहब के बीच में कजान में मुलाकात होती है तो ये अच्छा ही रहेगा। आपको लगता है क्योंकि कजान में ये मीटिंग भी होनी है? मुझे लगता है कि इसकी संभावना बढ़ गई है। आपको ऐसा लगता है कि सर कि इसके पीछे रशिया का भी हाथ हो सकता है क्योंकि एक पॉजिटिव नोट या कुछ? देखिए, मैं समझता हूं कि ये मामला जो है ये भारत और चीन के बीच का है, तो मेरे समझ में ये आता है कि काफी समय से, काफी महीनों से बातचीत चल रही थी इसके बारे में और उसका फलस्वरूप आज नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से रूस ने इसमें कोई ज्यादा यानी उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया होगा जिससे ये हो जाए। ये तो भारत और चीन के बीच में हुआ है।